और ये रही इंडियन रेलवे। नमस्कार कर दीजिए, नहीं कीजिएगा। बाप आश्रम वेब सीरीज गलती से भी मत समझिएगा। लगता है खुफिया रास्ता आ गया, यही है क्या? यहाँ दोस्तों फोटो खींचना मना है, चुपचाप वीडियो बना रहे हैं। इस दुनिया में बहुत नज़ारे हैं और बहुत किनारे हैं, कहीं ना कहीं आप तो पहुंच ही। हेलो दोस्तों, तो हम बोले थे ना कि जो अपकमिंग ब्लॉग होगा मेरा वो लॉर्ड कर्जन जो ये है ब्रिज है मेरे पीछे देख सकते हैं, प्रयागराज में ही स्थित है, उसके आगे वाला ब्रिज पे बनाएंगे। तो अभी भाग इसलिए रहे कि वो ब्रिज पे ट्रेन आ रही, बड़ा मस्त व्यू आएगा। चलिए चलते हैं भाई, हम लोग पहुँच गए नया पुल पे। नया पुल नहीं, नैनी ब्रिज नहीं है, ये कर्जन ब्रिज के पास। ये हमारे दोस्त है, तो नया ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और ये रही इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे बहुत ज्यादा भीड़ है ट्रेन में, एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस। ट्रेन निकल ली भाई, इसीलिए हम दौड़ के आ रहे थे आप लोगों का, तो स्वागत अच्छे से नहीं कर पाए। स्वागत है आप लोगों का अंकित गुप्ता ब्लॉग 3928 के चैनल में। और वो हमारे पीछे रहा लॉर्ड कर्जन ब्रिज, इस पर मैंने एक ब्लॉग पहले बनाया है, वीडियो के एंडिंग में इसका मैंने ये लगाया, कार्ड लगाया, तो आप लोग जरूर ये ब्लॉग जाके देखें मेरे उसमें वीडियो के एंडिंग में। और काफ़ी अच्छा व्यू भाई यहाँ से आ रहा है, देख सकते हैं। हाय हाय, ये हमारे दोस्त हैं कमलनाथ ब्लॉग्स, उस वाले ब्लॉग में कमलनाथ देख लोगे। जी हाँ, इस पिछले वाला ब्लॉग में ये भी था कि यही हम बता रहे हैं ब्रिज के बारे में। अवनीश भैया, लोग वही है पर जगह चेंज हो गया, बाप रे। अवनीश भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद? बहुत सही, बहुत सही, ये भी जगह बहुत सही है, बहुत सही है। यहाँ भी आप अपनी क्या बोले प्रेमिका, अच्छा प्रेमिका के साथ आ सकते हैं। और ये देखिए ये यहाँ खड़ा होते भाई, मस्त मस्त जन्नत मजा आ रहा है, एकदम जन्नत वाला मजा आ रहा है। चलते हैं कोई आश्रम, हमारे दोस्त लेके जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? नारायणी आश्रम अंकित भाई को घुमाने के लिए आ चुके हैं। और नारायणी आश्रम बहुत गजब का आश्रम है, बहुत ही गजब की वाइब आती है वहाँ से, माँ गंगा पूरा क्लियर दिखती है यार। बस यही रिस्क है कि बंद ना हो यार, मतलब सस्पेंस है कि अगर बंद होगा तो फिर क्या करेंगे। अच्छा चलिए वहाँ जाके पता चल ही जाएगा, चलते हैं नारायणी आश्रम। भैया हम लोग उस ढलान भरी चट्टानों के जरिए नीचे उतर चुके हैं, आश्रम किधर है हमारे दोस्त ही जाने, लेकिन पता नहीं इनको शांत सुनसान मतलब शांत जगह पे बैठने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। देख सकते हैं यहाँ फिर आके ये लोग बैठ चुके हैं, यहाँ से गंगा नदी का व्यू देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है भाई। सब पी लिया क्या? नहीं, इसी गंगा नदी से भर के पी लो, इसी वाले लोगों को पार करते करते देख रहे, डिस्कशन चल रहा है यहाँ कहाँ जाना है। अब यहाँ बैठे अच्छी चीज दिखा दें कि आप घबरा के चड्डी निकाल दो, दिल पे मत लीजिएगा, ऐसे ही दोस्तों आज तो निकाल देंगे आप। हम लोग अपना क्लास व्लास फिर से आप लोग के लिए बंक किया, अब बार बार यही ब्रिज घूमने के लिए बंक कर। भैया 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 दाढ़ी वाले भैया इधर थोड़ा, एक मिनट आप दे देंगे, वीडियो वीडियो ऑन कर देख रहे हैं। एक छोटा सा पौवा मांगे, बहुत बड़े तपस्वी हैं भैया का, पौवा को मारे का हम भी पौवा मारेंगे भैया को, वीडियो में पूछो तो पूछना। अरे भैया एक बार नमस्कार बोल दीजिए हमारे दर्शकों को, आप लाइव देख रहे हैं अभी, आपको 10,000 दर्शक से बेसी देख रहे हैं, 10,000 लोग अभी आपको देख रहा है। नमस्कार कर दीजिए, नहीं कीजिएगा। हाय हेलो, गर्लफ्रेंड के लिए लौंडिया नहीं है मेरे पास? अरे हम ही लोग के पास तो है, एक बार आप खाली नमस्कार बोल दीजिए, देखिए लाइन लगा देंगे आप। अच्छा ठीक, तो भैया हम लोग का आश्रम जाने का फिर से ये सफर चालू हो चुका है। वो उधर पत्थर है बहुत बड़ा, पत्थर आपको ले चलते हैं। फिलहाल तो पहले आश्रम चलते हैं, यहाँ से देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू बहुत ज्यादा सुंदर आ रहा है, पीछे मतलब मेरा दोस्त लोग को मत दीजिए, ये लोग को देखिएगा तो ऐसे ही आप लोग का व्यू गड़बड़ा जाएगा। ए आश्रम वेब सीरीज मत समझिएगा बे। अरे अरे नहीं बाप, आश्रम वेब सीरीज गलती से भी मत समझिएगा, वो सब गंदा बात है।
लगता है खुफिया रास्ता आ गया। यही है क्या? यही सीढ़ी है क्या? अच्छा सीढ़ी होके जाते, चलिए देखते हैं खुफिया रास्ता कहाँ। नाला का पानी है क्या? अबे नाला का पानी है क्या? देख रहे हैं यहाँ से नाला का पानी निकल के जाता है गंगा मैया में। भैया गली कुच्ची होते हुए लेके जा रहा है, हमको एकदम वैष्णो देवी वाला फीलिंग आ रहा है। यहाँ पे पहाड़ी एरिया रहता था लेकिन अगल बगल में घर रहते थे, कुछ कुछ दुकानें रहती थी, तो वैसा जाता जैसे वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। देख सकते हैं हम लोग, लग रहा है कॉलोनी होके होते हुए गुजर रहे हैं। काफ़ी छोटी छोटी सक्रिय गलियाँ हैं यहाँ। अबे तेरा इधर इधर क्या फीलिंग आ रहा है तुमको, कहाँ तुम जा रहा है? बहुत क्राउडेड एरिया में आ गया है, भसड़ मचा पड़ा है। बगदर भसड़ का होता है भीड़। अच्छा भीड़। अच्छा खुफिया दरवाज़ा पहुँच गए दोस्तों। अबे ये तो बंद है रे, बंद है। देखिए खुफिया दरवाज़ा। चलिए अंदर चलते हैं, खुफिया दरवाजा से अंदर आ चुके हैं हम लोग। ये तो हमको सड़के दिख रहा है। फोटो खींचना मना है, चुपचाप वीडियो बना रहे हैं। इसी तरीके से देख सकते हम सब नारायणी आश्रम में आ चुके हैं और अलग ही वाइब आ रही है भाई। देख सकते हो क्या गजब की हरियाली है और अच्छा लग रहा है देखकर वैसे। और एक बात और, आश्रम ऐसे आश्रम आने के बाद बहुत ही अलग ही वाइब आती है। और जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात पे ध्यान देने लायक वो ये है, एकदम सुखद शांति है, बहुत बढ़िया जगह है। और कुछ बोलना है? लेकिन अंडररेटेड है भाई, अंडररेटेड है भाई। तो भैया यहाँ फोटो खींचना सख्त मना है, वीडियो बनाना बनाने में तो पूरा प्रतिबंधित ही लगा हुआ है, तो फिर भी लेकिन यहाँ चुपचाप ब्लॉग बना रहे हैं। और लेकिन हम सब प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ ऐसी जगह जहाँ हम सब नहीं बना रहे हैं, वैसे खुले माहौल में बना दे रहे हैं जिससे आप देखकर मतलब आश्रम की कुछ वाइब ले सकते। कुछ प्राइवेसी जगह है जहाँ हम लोग चाह के भी नहीं जा सकते हैं, तो खैर वहाँ जाने की कोशिश भी नहीं करना है, बस ऊपर बार बार का व्यू दिखा रहे हैं हम आप लोग। और बताइए भैया लोग कैसा लगा अंदर, मज़ा आया ना घूमने में? हाँ मज़ा आएगा कहने, चुपचाप जो आप लोग ऐसा ऐसा सीन दिखा रही। और वैसे भैया यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे गांधी जी के तीन मंदिर। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, लेकिन हमें ये तीनों क्वालिटी है। खैर अब आगे क्या ही अपना इंट्रो दे, आप लोग अच्छे से हमको जानते ही हैं। और कमल भाई कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा यार, गांधी जी का तीन मंदिर देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी एक आप है, एक हम है, और एक ये रहा, ये भी हमारे ही साथ। तीनों नहीं मानते, तीनों हम तीनों अलग अलग आदमी। आपको कैसा लगा मंदिर? हम तो बुरा बोलते हैं भाई, मज़ा आया घूमने में? बहुत सही, बहुत सही मंदिर है, बाकी शांति बहुत मिला यार, मज़ा। यहाँ किनारे जो फीलिंग आ रही है वो कहीं नहीं। मोबाइल से एक बार बाहर निकल के जो भी प्रयागराज के वासी या फिर बाहर के भी वासी ये देख रहे हैं, मोबाइल से एक बार बाहर निकल के अपने काम काज वाली दुनिया से, टेंशन भरी दुनिया से निकल के एक बार यहाँ आइए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, बहुत मस्त ये कीजिएगा, रियलाइज कीजिएगा, बहुत मज़ा। गुजारिश है केवल किताबों में मत खो, दुनिया में भी खो जाओ यार, पर्यावरण यार बहुत बेस्ट चीज़ है। इस दुनिया में बहुत नज़ारे हैं और बहुत किनारे हैं, कहीं ना कहीं आप तो पहुंच ही जाएंगे। जी जी देख सकते हैं दादी जा रही राधा कृष्ण जी का दर्शन करने, अंदर राधा कृष्ण जी की भी बहुत अच्छी मूर्तियां हैं। खैर भगवान के चरणों में तो पूरा दुनिया है, और आगे क्या ही बोले। तो चलिए इसी के साथ इसका जो कुछ देख सकते हैं इंटरफेस जो द्वार है ये वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और मेरे पीछे कुछ गणपति नाम का एक घर है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और ब्लॉग अंकित गुप्ता ब्लॉग 3928 को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भाई लोग की बातों पे ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ मौका मिलेगा तो जरूर जाइएगा घूमने के लिए।